हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बीपीएससी 66 में मैथ्स ऑप्शनल में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था और उन क्वेश्चंस को सही ढंग से कैसे अप्रोच करना चाहिए था। सबसे पहले सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि ग्राफ के जरिए कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लीनियर एलजेब्रा के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन 1A 1B हमेशा हर साल की तरह फिक्स्ड है। कैलकुलस में भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, वेक्टर्स प्लस टेंसर्स मिलाकर 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैकेनिक्स में प्लस 3D मिलाकर 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका वेटेज 50 मार्क्स है। इसी तरह सेक्शन 2 में मॉडर्न एलजेब्रा में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, रियल एनालिसिस के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ऑपरेशन रिसर्च प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों के एक एक क्वेश्चन आए हैं, मतलब 50 मार्क्स के यहाँ से भी आ रहे हैं, PD प्लस मिसेलेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स हैं उनके भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कि किस टॉपिक से आया था और क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A से। 1A का जो क्वेश्चन है और 1B का क्वेश्चन, ये दोनों आपका लीनियर एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो 1A में क्या है कि इफ टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, बी अ लीनियर मैपिंग and u be a finite dimensional vector space, then prove that dimension of range space plus dimension of nullity is equal to dimension of u. ये एक rank nullity theorem है, उसको prove करना है। ये question हमने last जो test हुआ था BPSC 66 के लिए, तो ये question as it is हमने test में भी डाला था और ये question first question यहाँ पे appear भी हो रहा है। काफी नोन क्वेश्चन है, डायमेंशन का जो थ्योरम्स है, दो थ्योरम रैंक नलिटी थ्योरम प्लस और एक इंटरसेक्शन यूनियन वाला जो थ्योरम होता है, ये दोनों थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो 1A को मैं काफी इजी क्वेश्चन बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपके बुक में भी रहता है, जब पढ़ाया जाता है उसमें भी पढ़ाया जाता है और बार बार आप प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को आप देखते हो। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1B। 1B में कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये A को ही मैट्रिक्स दे रखा है तो इसका आइगन वैल्यूज निकालिए और आइगन वेक्टर्स निकालिए। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज A माइनस लेमडा I का डिटर्मिनेंट को जीरो करके निकल जाता है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो ये भी काफी नॉन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप सिर्फ अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आप एग्जाम में जवाब दे सकते हैं। Let's move to the next question, question number 2A. 2A में कह रहा है कि find the points of discontinuities. Discontinuity का point निकालिए जब function आपका इस ढंग से दिया हुआ है। तो इस question को solve करने के लिए पहले आपको fx find करना पड़ेगा। अब fx कैसे find करते हैं? तो ये class में आपको बताया जाता है कि जब fx की power gx type का कोई function दिया हुआ है और gx जो है तो tending to infinity है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ मामला बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस fx का कंडीशन इम्पोज करना होगा कि क्या ये 1 के बराबर है, क्या ये 1 से छोटा है, क्या ये 1 से बड़ा है। उसके हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया सेट करते हैं कि 0 हो सकता है, वैल्यू उसका 1 भी हो सकता है, नहीं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट भी जा सकता है। ओके, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट आप ITJEE के टाइम में भी इस चीज को पढ़ते हो। मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि क्लास 11th और 12th में जिसका कैलकुलस पोर्शन बहुत अच्छा था वो इस एग्जाम के अंदर में बहुत वंडर कर सकते हैं। बात है कि आप कितने तेजी में चीजों को रिकॉल कर लेते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2B। अब देखिए कह रहा है कि यूजिंग द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ दिस स्टेटमेंट। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको प्रूफ करना था। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग जल्दी लेकर आएंगे जिसमें कि आप इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉमिनल वैल्यू का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आप
थोड़ा कंसंट्रेट होके फंक्शन चूज कर लोगे और एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, वेयर सी बिलोंग टू ए एंड बी लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2a 2b ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो 50 प्लस 50 हम 100 मार्क्स का आप लोग अभी तक अटेम्प्ट आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3a। इन क्वेश्चन नंबर 3a कह रहा है कि इवेल्युएट कीजिए 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी एंड टेस्ट इट्स कन्वर्जेंस, इसका कन्वर्जेंस आपको दिखाना है। तो डायरेक्टली आप कन्वर्जेंस का जो टेस्ट होता है रियल एनालिसिस में जो आप पढ़ते हो उसको भी आप इस यहाँ पे यूटिलाइज करके टेस्ट कर सकते हो, और इसका अगर वैल्यू आपको निकालना है तो या तो बीटा नहीं तो गामा फंक्शन का इसमें इस्तेमाल करके इसको इंटीग्रल सेपरेट करके छोटा इंटीग्रल बना के वहां फिर फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है तो इसको आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3b। 3b में कह रहा है इवेलुएट कीजिए इस डबल इंटीग्रल को। अब डबल इंटीग्रल इज द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू 2/3x और y इज इक्वल टू 2√x, मतलब ये एक पैराबोला बन गया और एक लाइन है, लाइन और पैराबोला के बीच का जो आपको रीजन, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा ही पैराबोला हो सकता है, तो देखना पड़ेगा कि पैराबोला कैसा है और लाइन तो इसका पॉजिटिव स्लोप के साथ ही जा रहा है, तो इसके बीच में आप दो पॉइंट निकालोगे और उसको आप आराम से इंटीग्रेट करोगे। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया वेक्टर कैलकुलस के भीतर में। वेक्टर कैलकुलस में इतना आसान क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग डबल वेरिएबल में जो इंटीग्रेशन करते हैं ओवर द सरफेस, ओवर द कर्व सरफेस बात करते हैं, स्फीयर पे, पैराबोलाइड पे, कोन पे, ठीक है, हेमी स्फीयर पे, वहां पे सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करने का बच्चों को सिखाते हैं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि 11th 12th का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ग्रेजुएशन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो इतना बेसिक सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो बात है कि आप इससे इंस्पिरेशन ले, अगर आप एस्पिरेंट है बीपीएससी 67 के लिए और बीपीएससी 68 के लिए, तो अगर इन कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। आप अगर अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन में इन सारे क्वेश्चंस को एक तरफ से आप बनाकर आओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4a। क्वेश्चन नंबर 4a कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल जो है सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने का दो तीन मेथड होते हैं, जो एक बीटा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन होता है, और आप एक मेथड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सीखते हैं जो कंटूर के अलोंग में आप इंटीग्रेट करते हो चीजों को। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई एक मेथड आप अपनाओगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा। ये सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा है तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसको बीटा गामा के अंदर में सेट करें इंटीग्रल को और फिर आप वहां से आंसर निकालें। 4b के भीतर में क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स गिवन बाय x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दो प्लेन दे रखा है, अब इन दोनों प्लेन के बीच का आपको एंगल पूछा जा रहा है, तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स क्या होता है, तो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल का डीसी आपको पता है दोनों का, तो वहां से आप cos थीटा करके वहां पे थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होता है x माइनस x नॉट बाई एल y माइनस y नॉट बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z नॉट बाई एन, ऐसे करके आप यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। x नॉट y नॉट z नॉट वैल्यू सॉल्व करना है तो दोनों प्लेन का इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, टेकिंग वन पॉइंट एज जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो कर दो, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि प्लेन वन में भी लाई कर रहा है, प्लेन टू में भी लाई कर रहा है, इट मींस दैट वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है वो पॉइंट। ओके, सो 4a 4b वाज नॉट टू हार्ड, इट वाज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से अगर ये 3d वाला क्वेश्चन करते हो तो। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, अगर बीटा गामा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है, मास्टरी नहीं किया है, तो ये सवाल एग्जाम में डायरेक्टली नहीं, इसलिए बीटा गामा फंक्शन को हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ाते हैं, सेपरेटली पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं,
ताकि उसके अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में आता है उसको आप ध्यान से कर पाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A में कह रहा है कि सॉल्व कीजिए इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x dx plus y dy y dy minus y dx a square minus x square upon a square plus y square का रूट दिया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट टफ, इट वाज सीमिंग टू बी टफ, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन आप करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 5D ये कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आप जानते हो कि जिसका ऑर्डर है जो 4 है और ये इसमें नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि दो टाइप का टर्म भी यहाँ पे एसोसिएटेड है, एक अल्जेब्रिक है और यहाँ पे मिक्स टर्म है। तो आप जानते हैं कि की पावर ax इंटू बी का एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और ax स्क्वायर भी अगर है तो यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, CF निकालना था और PI निकालना था और दोनों को ऐड कर देना था, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होता। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज मोर इजी देन 5A क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों कर लिए होंगे, आई होप सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6A कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The covariant derivative of a covariant tensor of second order is a covariant tensor of third order. Covariant tensor क्या होता है, उसका order क्या होता है, इस चीज को हम लोग कौन से chapter में पढ़ते हैं, tensor calculus के भीतर में पढ़ते हैं। तो अगर आपने vector calculus बहुत अच्छे से किया है फिर आप tensor calculus भी पढ़ सकते हैं। वहां से एक question 25 number का 25 marks का question हर साल appear होता है आपका tensor calculus। So it is very important topic. Don't skip this topic. Question number 6B. 6B है Kepler's law का। तो इस बार बहुत दिन बाद है, so mechanics में question थोड़ा सा level raise हुआ है। पहले पूछते थे simple जो projectile motion है, एक साल पूछे projectile motion simple वाला, फिर inclined वाला पूछे, इस बार Kepler's law के भीतर में आए हैं। तो सोच सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कुछ इजी टाइप का पेपर होगा तो मैकेनिक्स भी आपको जितना सिलेबस दिया हुआ है सेक्शन ए में उसको तैयार करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ा नहीं है केपलर्स लॉ इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या करना है, रेडियस वगैरह दिया हुआ है। तो केपलर्स लॉ अंडर मतलब सेंट्रल फोर्सेस के भीतर में आता है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है gm/r² करके, तो उसी ढंग से केपलर्स लॉ भी होता है जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं चलता है, कुछ अदर लॉज भी वहां पे चल सकते हैं लेकिन वो सेंट्रल इन नेचर होता है, सेंटर के तरफ फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में से आपको 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए थे। 1A, 1B, 2A, 2B तो हर बच्चा करके जाता है, बाद में 4 क्वेश्चन बच रहा है उसमें से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो बहुत बार डील नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें, और ये डील कभी रहेगा भी नहीं। बीपीएससी 67 में आप जाओ, 68 में जाओ, 69 में जाओ, कभी भी एग्जाम होगा आराम से आप कर पाओगे, लेकिन कब उसके में कंडीशन इम्पोज है कि सारे टॉपिक्स आपको करके जाने होंगे तभी आप इस चीज को बोल सकते हो। पहले लोग बोलते थे कि ये टॉपिक नहीं करेंगे, वो टॉपिक नहीं करेंगे, मिक्सिंग नहीं होता है। तो अभी हम सेक्शन 2 में आ रहे हैं, वहां पे आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चंस को मिक्स किया है। क्वेश्चंस आसानी है लेकिन दो टॉपिक्स को मिक्स कर दिया है, बच्चे कंफ्यूज हुए, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हुए। जो स्टूडेंट्स ने पूरे सिलेबस को अच्छे से हैंडल किया, सारे सिलेबस का एक चीज पढ़ा, उनको मिक्सिंग कर दे मिक्सिंग नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोचते हैं कि 4 चैप्टर इधर का है, 2 ही पढ़ेंगे, 2 से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उनके लिए मुसीबतें आगे भी खड़ी हो सकती है। तो प्लीज हमारा यही सजेशन रहता है कि आप मैकेनिक्स भी पढ़े थोड़ा सा, आप थोड़ा सा वेक्टर भी पढ़े, आप लीनियर अलजेब्रा भी पढ़े, कैलकुलस भी पढ़े, सबका इतना लेवल जरूर कर लेना है कि आप क्वेश्चन एटलीस्ट समझ पाओ और वहां पे आराम से आप जवाब देने लायक रहो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास है तो आराम से आप उसको देख सकते। So let's move to the second section. Second section के अब हम लोग questions पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से question आए हैं। Question number 7A और 7B group theory का question इस बार पूछ लिए हैं,
दोनों क्वेश्चन इस बार ग्रुप थ्योरी से ही पूछे। जनरली होता क्या था, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का मिक्स करके क्वेश्चन आता था, एक ग्रुप से एक रिंग से। लेकिन इस बार थोड़ा आसान है मामला इधर, तो ये लैंग्वेज थ्योरम का ही एक पार्ट है जिससे ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है सो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। और ये एक एबेलियन ग्रुप का है और कोसेंट ग्रुप में बीच में डाल दिए हैं। जी बाई एन अगर आपने पढ़ा होगा कि कोसेंट ग्रुप क्या होता है, तो जी बाई एन होता है सच दैट यहाँ पे इसके एलिमेंट्स एन एक्स टाइप के होते हैं। तो आपको दो एलिमेंट लेने थे एन एक्स और एन वाई, एन एक्स वाई इसका प्रोडक्ट होगा और प्रूफ करना था कि ये एन वाई एक्स के बराबर है। तो इतना बेसिक सा चीज अगर आप जान रहे हैं कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है, कोसेंट ग्रुप क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन मॉडल जेब्रा का इस बार नहीं आया। मॉडल जेब्रा के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी परीक्षा में देखोगे, बीपीएससी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लोग इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं। लेकिन इस बार देखो लक कितना अच्छा है, भारी टॉपिक से आसान क्वेश्चन आया है इस बार। इसलिए अपन बार बार बोलते हैं क्लासेस में कि आपको टॉपिक जो भारी टॉपिक है उसको भी पढ़ना है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज उसमें हासिल करनी है। आसान टॉपिक है उसका तो पूरा अच्छे से काम करना है उसमें, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप मैथमेटिक्स ऑप्शन ले रहे हैं, पूरा माइंड कंसंट्रेट करके 5 से 6 महीना का हमारा कोर्सेज होता है उसको ज्वाइन कीजिए, जितने भी प्रॉब्लम सेट्स दिया जा रहा है उसको अच्छे से बनाइए, डिस्कशन कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, फिर आपका देखिए बेरा पार होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A। 8A में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 8A क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्लास 12th 11th में पढ़े होंगे, 12th या 11th में ये टॉपिक है, आईआईटी जेईई में भी ये क्वेश्चन है सो पूछते थे, ठीक है, अभी भी आते हैं क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये चीज जो जान रहा है बच्चा आराम से कर देगा, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना था, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब बी इवेंट हो गया है तो फिर ए इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉक्स इज चूजन एंड ए बॉल इज ड्रॉन विच हैपेंस टू बी ब्लैक। ब्लैक बॉल हाथ में आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 2 से आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 1 से आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 3 से आ रहा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो बेसिक नॉलेज है सो आपको यहाँ पे टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8B। 8B में आप देखिए एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है, कहता है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो इसको चेक करना है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9A कह रहा है प्रूव दैट द कॉसी रेसिड्यू थ्योरम यूजिंग इट इवेलुएट द इंटीग्रल दिस। अब यहाँ पे कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया है, हालांकि जनरली प्रूफ नहीं पूछते लेकिन इस पर प्रूफ आया है, ठीक है। यूजिंग इट इवेलुएट द इंटीग्रल, अब इसको यूज करके आप कॉसी रेसिड्यू फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगेन 9B क्वेश्चन देखिए तो चारपीट मेथड से इस PDE को सॉल्व करना है। चारपीट मेथड आप बहुत ही नोन मेथड है, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको चारपीट मेथड के कहीं भी मिले, हमारे सीट में मिले, आपको MD राय सिंघानिया में मिले, प्रीवियस ईयर में मिले, तो आपका ये बिल्कुल दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ओके, एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10A देखिए सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है, ड्यूअल निकालना है, ड्यूअल का फिर ऑप्टिमैलिटी चेक करना है, देखना है, ये भी क्वेश्चन है सो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया चीज नहीं करना है, जो आपने क्लास में पढ़ा है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10B आप देखिए तो क्वेश्चन 10B में कह रहा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द लैग्रेंजियन मेथड। अभी लैग्रेंजियन और हैमिल्टन ये दो मेथड दिया हुआ है, आप दो टॉपिक है जिससे कि बीपीएससी अब क्वेश्चन निकालना शुरू किया है, एक हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन आपका सेक्शन बी में है और दूसरा एक है हाइड्रोडायनेमिक्स, उसको ध्यान से करना है जो भी बच्चे आप लोग 67 और 68 के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11A। इन क्वेश्चन नंबर 11A आपको
न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये कुछ चीज पूछ रहे हैं कि गॉस सीडल मेथड, गॉस जॉर्डन, ये दो मेथड होता है जिससे कि आप एलिमिनेशन टेक्निक करके आप सिस्टम का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी किसी भी बुक में आप उठाएंगे ये आपको मेथड मिलेगा, आप इसको कर सकते थे। रंगा कुत्ता मेथड से फोर्थ ऑर्डर लगाना है और इसका वैल्यू निकालना है, ये भी किसी भी ग्रेजुएशन की किताब में आप देखोगे तो ये टॉपिक रहता है। तो इसमें कोई भारी चीज नहीं है, अगर आपने इसको नहीं किया एग्जाम में तो ये आपकी गलती है, ठीक है। जिन लोगों ने अगर मिस्टेक किया है तो प्रैक्टिस का कमी है, जो लोग अच्छे से कर पाए इसका मतलब प्रैक्टिस अच्छे से की है। गॉस सीडल मेथड और रंगा कुत्ता मेथड किसी भी किताब में, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक में आपको ये टॉपिक मिलता है। तो बेटर है कि अगर आप जाना चाह रहे हैं कि बीपीएससी 67 का मेंस अगर लिखना चाहते हैं, आप फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप अपना सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास उसमें दोनों रहता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12A। क्वेश्चन नंबर 12A में कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। लास्ट टाइम में इसने स्फीयर का क्वेश्चन पूछा था, इस बार सॉलिड स्फीयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12B में रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं फंक्शन, उसको चेक करना है और प्रूफ करना है कि रीमान इंटीग्रेबल एक्चुअली नहीं है। तो आप देखो कि एक्स है और 1 - x है, तो जहां पे दोनों फंक्शन बराबर होता है उस पॉइंट पे ही बस लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, 1/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी पॉइंट पे लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप साफ कह सकते हो कि रीमान इंटीग्रल का ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। बेसिक से चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से करना था। ध्यान से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन यहाँ भी सिलेक्ट किया जा सकता था, बच्चों ने किया है। जिन लोगों से सिलेक्ट नहीं हो पाया, चाहे कहीं बीच में फंस गए, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, तो आप निराश ना हो। नेक्स्ट अभी बीपीएससी 67 अभी आने वाला है, अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स और बीपीएससी 67 लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको सारा कुछ इसमें दिया जाएगा। टेस्ट असाइनमेंट्स, डीपीपी, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। 6 महीने का कोर्स है, 1 ईयर का हम लोग एक्सटेंशन वैलिडिटी आपको प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि आप 1.5 साल तक सारे हमारे क्लासेस आप लोग कर सकते हैं और फिर जो भी डाउट है उसको आप निवारण करा सकते हैं। So thank you so much for watching this very video. We will meet in the next session. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।